फ्रेंड्स, मैं गुरवी निंदा और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमारे फेस के ऊपर जो समय से पहले ही फाइनस, रिंकल्स या डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और आसान होममेड फेस पैक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। उसके जो रिजल्ट है वो 100% इफेक्टिव है, और जब आप खुद से यूज करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट पता चल ही जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो इस फेस पैक को कैसे बनाना है और इसे यूज कैसे करना है मैं सारा आपको बताऊंगी। जैसे मैं बताऊंगी आप बिल्कुल इसे वैसे ही यूज कीजिएगा, और आप श्योर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल, और जो फर्स्ट चीज हम इसमें ऐड करेंगे वो है मैदा। मैदा में एंटी एजिंग और स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे स्किन को समय से पहले होने वाले फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करता है और हमारी स्किन को फेयर एंड ग्लोइंग बनाता है। और जो सेकेंड चीज हम इसमें डालेंगे वो है राइस फ्लोर, यानी चावल का आटा। चावल में भी एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारी स्किन को यंग बनाए रखने में, हमारी स्किन को फेयर, ग्लोइंग और टाइट बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो थर्ड चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है पोटैटो जूस, यानी आलू का रस। आलू के रस में भी एंटी एजिंग और स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वो हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स, पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है, और हमारी स्किन को बेदाग बनाने में, यंग बनाए रखने में, फेयर और ग्लोइंग बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें विटामिन ई ऑयल, बादाम ऑयल या कोकोनट ऑयल, तीनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, ताकि एक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए और हमारी स्किन के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके। तो देखिए, हमारा फेस पैक बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है। तो मैं यहाँ रोज वाटर का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही हमारे स्किन के ऊपर स्किन क्लींजर का काम करते हैं, जो कि हमारी स्किन को डीप क्लीन करते हैं। और किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले हमें अपनी स्किन को जरूर क्लीन करना चाहिए। तो अभी हम अपना फेस पैक लेंगे और पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई करेंगे। इस फेस पैक को यूज करने से हमारी स्किन के ऊपर एक अलग सी चमक आएगी, हमारी स्किन पहले से ज्यादा फेयर होएगी, ग्लोइंग बनेगी और टाइट बनेगी। इसमें जो भी चीजें हमने ऐड किया वो एंटी एजिंग का काम करेंगे और हमारी स्किन को यंग बनाए रखने में हेल्प करेंगे। 10 मिनट के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा होममेड फेस पैक। तो इसको यूज करने से आपकी जो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे फाइन लाइन्स, रिंकल्स हैं, अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव होगी, और जो आपकी स्किन है एकदम से बेदाग, क्लीन, निखरी हुई उभर कर सामने आएगी। तो आप इस फेस पैक को हफ्ते में 3 बार जरूर यूज कीजिएगा और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।